हे गाइस, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। इट्स मी सादिया, इफ यू न्यू हियर सो वेलकम टू माय चैनल। आज की जो वीडियो है, आई नो काफ़ी टाइम के बाद मैंने आपके साथ अपलोड करने लगी हूँ, क्योंकि रीज़न आपको पता ही होगा कि मेरे फ़ोन का काफ़ी सारा इश्यूज चल रहे थे। मैंने जो है कैमरा भी ऑर्डर किया था, वो आया, लेकिन मुझे बिल्कुल उसका रिजल्ट पसंद नहीं आया। मैंने किससे तो अच्छा है कि भाई मैं अपने फ़ोन से ही रिकॉर्ड कर दूँ, तो मैंने कैमरे को बाय 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 बोल दिया, तो वो कैमरा चला गया है। एंड आई होप कि आपको इसकी वीडियो क्वालिटी जो है वो अच्छी लगे। तो आज की जो है वीडियो, मैं आपको बता दूं कि क्या है, वो है मेकअप रेवोल्यूशन के फाउंडेशन के ऊपर, जो कि मैंने 2 मंथ्स पहले बाय किया था। और आप यकीन करें, इतने टाइम से मैं इसका रिव्यू देना चाह रही थी, तो आज जो है मैं आपके साथ इसका रिव्यू शेयर करने लगी हूँ। आई नो काफ़ी सारी बात हो गई है, तो अब विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो ज़रूर लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, ताकि आप कोई भी वीडियो को मिस आउट ना कर सकें। तो लेट गेट स्टार्ट दिस वीडियो नाउ। आप देख सकते हैं कि मेरे हैंड में काफ़ी देर से और ये वेट ब्यूटी ब्लेंडर है। या लेट गेट स्टार्टेड। सो मैं यहाँ पे आपको बता दूँ कि मैंने अपने फेस को ऑलरेडी फेस वॉश किया हुआ है, मॉइस्चराइज किया हुआ है। मैंने प्राइम जो है वो अभी नहीं किया है अपने फेस को। तो सबसे पहले जो है हम अपने फेस को प्राइम प्राइमर के लिए मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ मिनीसो का ये वाला प्राइमर, जो कि है मिनी पोनी, और ये शेल मेकअप बेस है, पिंक कलर में है, बहुत ज़बरदस्त है इसका। मुझे जो है स्पेशली मैं उस टाइम पे यूज़ करती हूँ ये बेस जब मुझे ग्लोइंग मेकअप करना होता है। तो इसको लेके हमने अपने फेस के ऊपर अप्लाई किया है, और आप चाहें तो ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से इसको कर सकते हैं, अदरवाइज आप अपने फिंगर टिप्स की हेल्प से भी इसको आप कर सकते हैं। यहाँ पे जो है मैंने इसको कर दिया है, और आप देख सकते हैं कितने अच्छे तरीके से ये सेट हुआ है। प्राइमर जो है वो हमारे फाउंडेशन के लिए एक की है, वो आपकी बेस है, यानी कि आप देखते हैं कि प्राइमर बेस है ये आपके फाउंडेशन को। जब आप एक लेयर अपने फेस के ऊपर लगाते हैं, तो उससे पहले हमें एक बेस बिठानी होती है, जिसकी वजह से जो हमारी फाउंडेशन की लेयर है बहुत सॉफ्ट, बहुत स्मूथ दिखती है। लेकिन अगर आपको अच्छा फाउंडेशन बेस बिठानी है, तो मैं हमेशा कहती हूँ कि अपने फेस को एक्सफोलिएट ज़रूर करें। उससे होता है आपका फाउंडेशन बहुत स्मूथली बैठता है, और दूसरा ये काफ़ी देर तक रहता है, सॉफ्ट, बहुत खूबसूरत दिखता है। मैंने उसके ऊपर काफ़ी सारी वीडियोज़ बनाई हैं, लिंक मैं दे दूँगी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी और यहाँ पर भी। सो यहाँ पे मैं बात कर रही हूँ ये वाले फाउंडेशन की, जो कि है मेकअप रेवोल्यूशन का। ये है कंसील हाइड्रेटेड फाउंडेशन। मेरे पास जो शेड है ये है मीडियम टोन में, फुल कवरेज है, नंबर है इसका F95। ये इस तरह से कुछ आता है। मैंने आपको बता दूँ, ये मैंने लिया था अमेरिका से, अल्ट्रा ब्यूटी से, क्योंकि यहाँ पर जो है कैनेडा में आपको कहीं पर भी इसकी शॉप नहीं मिलेगी, तो मुझे ऑनलाइन शॉपिंग करनी पड़ती है। अदरवाइज मुझे जो है ऑनलाइन शॉपिंग करना, मैं इतना इसके लिए तो मैं नहीं करती हूँ। यूजली मैं जब भी अमेरिका जाती हूँ, मैं वहीं से ये बाय करती हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कुछ इस तरह का है इसका कैप, ये इस तरह से है, लाइट वेट में, और पंप है इसका। सो मैं यहाँ पर इसका सिर्फ एक ही ड्रॉप लूँगी, एक से दो ड्रॉप मैंने लिए हैं इस तरह से, और इसको लेके मैंने फेस के ऊपर अपने अप्लाई किया है। ये देखिए, आप देख सकते हैं इसकी मीडियम टोन में है इस तरह से। मैं हमेशा बताती हूँ कि जब भी आप फाउंडेशन को अप्लाई करें, इसको आपने इस तरह से करके करें फाउंडेशन को, उससे ये होता है कि बहुत अच्छे से जो है ये सेट होता है फाउंडेशन आपका। ये देखिए, मैंने सिर्फ 2 ड्रॉप लिए और कितना फुल कवरेज इसने दी है, जस्ट 2 ड्रॉप गाइस। नेक के एरिया पे भी मैं अप्लाई कर देती हूँ। अगर आप अभी आप यकीन करें, यहाँ पे आपको लग रहा होगा कि मेकअप बिल्कुल अच्छा, फाउंडेशन बहुत अच्छे से सेट हुआ, जो कि
हुआ है सेट, लेकिन अगर मैं अपनी साइड से देखूं तो ये मुझे काफ़ी काफ़ी ज़्यादा हैवी लग रहा है, हैवी कवरेज फाउंडेशन है ऑफ कोर्स ये, और केक की बिल्कुल भी लुक नहीं है इसकी, लाइट वेट फाउंडेशन है। मेरे जितने भी ओपन पोर्स हैं इसने इसको क्लोज किया है, आपको मैं करीब से दिखा दूँ। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि देखें कितने अच्छे से उसने इसको सेट किया है, कहीं पे भी आपको इसका कोई भी पोर्स नज़र नहीं आएंगे, बहुत अच्छे से इसने सेट किया है। ओवरऑल मुझे जो है ये फाउंडेशन बहुत अच्छा लगा है। मैं अपना जो है मेकअप पूरा कंप्लीट करके आती हूँ, फिर मैं आपसे बात करती हूँ। गाइज एंड आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने अपना कंप्लीट कर दिया है मेकअप, और मेकअप रेवोल्यूशन के बारे में बता दूँ, ये मेरी मोस्ट 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 फेवरेट ब्रांड से एक ब्रांड है। जब मैंने अपना यूट्यूब का चैनल स्टार्ट किया था तो मेरे पास दो ब्रांड्स के मेकअप अवेलेबल थे, जो कि थे मेकअप रेवोल्यूशन एंड सेकेंड इज़ BH Cosmetics पहला था जो जिसको मैं ऑनलाइन मंगवाया था। एक्चुअली जो मेकअप रेवोल्यूशन है जो है कंपनी है, ये हमारे कैनेडा में बिल्कुल भी अवेलेबल नहीं है। मैं जब भी अमेरिका जाती हूँ तो मैं वहीं से ये वाले फाउंडेशन जो है इनका मेकअप बाय करती हूँ। सो इनका जो मेकअप है काफ़ी अच्छा है, रीजनेबल प्राइजेस में आजकल तो हर जगह पर इनका मेकअप जो है वो अवेलेबल है। सो हैवी कवरेज फाउंडेशन के लिए ये बेस्ट 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 है, क्योंकि ये न्यू है और फुल कवरेज है। इसके आई थिंक 12 शेड्स अवेलेबल हैं मार्केट में। मैं बता दूंगी कितने शेड्स अवेलेबल, जहाँ तक मुझे याद है इनके 12 शेड अवेलेबल हैं। मेरे पास है मेकअप रेवोल्यूशन का मीडियम टोन में, और नंबर 95 है। मैं ऑलरेडी वीडियो में अपने मेंशन कर चुकी हूँ कि कौन सा ये नंबर है। सो आप अगर नाइट टाइम पर जा रहे हो तो आप ये इसको ज़रूर ट्राई आउट करो, बहुत अच्छा कवर करता है आपके जो भी स्कार्स हैं, जो भी आपकी पिगमेंटेशन है उसको बहुत स्मूथली जो है कवर करता है। मैं आपको एक और चीज़ बता दूं कि अगर आप डे में यूज़ करना चाह रहे हो तो उसको सिर्फ लिटिल ड्रॉप ही यूज़ करें, क्योंकि अभी आप देखें आपको लग रहा होगा कि मैंने फाउंडेशन सही से अप्लाई नहीं किया या सही लगा नहीं है, या आपको दिख नहीं रहा होगा, लेकिन फॉर माई साइड अगर देखें तो बहुत ज़्यादा ये इसकी हैवी कवरेज है। तो अगर आप इसको लें तो वन ड्रॉप ओनली अप्लाई करें, मैजिक है, बहुत ज़बरदस्त है, मुझे बहुत पसंद आया है। सो यार दैट्स ऑल गाइज, एंड आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आए होगा। अगर वीडियो पसंद आए सो ज़रूर लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, ताकि आप कोई भी मेरी वीडियो को मिस आउट ना कर सकें। मैं मिलती हूँ आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो पर, टिल देन अल्लाह हाफिज़, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा।